गाइस, नितेश भाई निकल रहे हैं, सो मिलते हैं। जितना भी टाइम स्पेंड किया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और नेक्स्ट फ्यूचर में कभी ऐसा राइड होगा तो फिर ज्वाइन करूंगा पक्का। अरुणाचल प्रदेश और नेपाल दो होने वाला है, तो करेंगे। ठीक है, आराम से जाइएगा, सेफली जाइएगा। गलती हो गई तो अरे गलती क्या होता है बाबा, अच्छे से जाइए, मस्त घर पहुंचिए और आज शाम को अपडेट कर दीजिएगा कि कैसा है रोड। ठीक है, चलो बाय बाय बाय। हम लोग टॉप बॉक्स लगाते हैं, ये देखो भाई का टॉप बॉक्स देखो, मस्त अपना डिजाइन करके खुद से किया ना डिजाइन? खुद से किया है, आपको पूछ रहे हैं। खुद से किया है मैंने, उतर जाओ। हमारा खुद का ही पैकिंग है पूरा, ये हमारा जर्मनी वेडिंग जर्मनी बॉक्स है ये। उतर जाओ बाइक से, उतर जाओ। और ये भी मेरा मैंने खुद ही बनाया हुआ है। अच्छा, ये खुद से? जेरिकेन दोनों साइड है, जेरिकेन खुद से ही बनाया हुआ है पूरा। और इसमें 5 लीटर इधर है, 5 लीटर इधर है। और सबसे अच्छी चीज इनका देखो राइडिंग जैकेट का मस्त गोदरेज का जो कुर्सी होता है उसका मतलब बैग ले लिया मैंने। ओके, वही लगा दिया इधर। सही है सही है, फुल जुगाड़ू भाई अपना। ये कितना खर्चा आया इसको बनवाने में? ये मतलब समझ लो के मतलब 50 रुपया खुद ही का है, खुद ही मैंने फिटिंग किया है। गाइस इनसे कांटेक्ट कर लेना, 50 रुपये में अगर ये चीज़ तैयार करवाना है तो। साला हम लोग कहाँ 16-17 हज़ार देते हैं, और बड़ौदा आना पड़ेगा, और वो भी छोटा छोटा। इसे पूरा मतलब पूरा खाने का सामान से लेकर घर का सामान पूरा सब कुछ आ गया मेरा अंदर। सही है, कपड़े से लेके सब कुछ, मतलब इसके अंदर टूल्स वगैरह सब कुछ आ गया अंदर। कुछ एक्स्ट्रा लगेज लेके चलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ आ गया। देख लो एक बार, इसके अंदर पानी का है, पानी का 2.5 लीटर का वो है। चलिए आराम से जाइएगा, सेफली जाइएगा आप लोग, और मैसेज ड्रॉप करते रहिएगा, ठीक है ना? चलिए बाय बाय, नाइस टू मीट यू। ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलेगा, सबका ध्यान रखना। हाँ बस वही है, चल रहा है खास करके स्कूटी का ध्यान रखना। बाय बाय। चलो गाइस रेडी निकले, आ जाओ चलो। कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो मेरी जान, ये जो दिखे वो है नहीं, किसी का इस पे बस नहीं, बिखर गए हैं इसमें कितने हाँ, ये मीठा सा जहर लगे, अफीम की लहर लगे, कि ढूंढना भी अब लगे नशा, ये आग की कहर सी है, मगर लगे सहर सी है, कि जलने में भी आए अब मजा, ये इश्क मेरी जान, संभल के चले आ। ये शॉट्स जो देखे वो इसी जगह पे हमने निकाले अपने बाइकर्स का। भाई ये रास्ता बहुत मजा आता है, आज मैं बाइक लेकर ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बार मैंने बाइक ट्रक के साथ ट्रैवल की है, इस बार राइडर्स को ट्रैवल करा रहे हैं। फटाफट चलते हैं, निकलते हैं, चलिए भाई।
खोल दो पास, अपने पास स्पैनर है क्या साला? राइड में कुछ ना कुछ हो रहा है, स्पैनर रोज निकल रहा है आज। स्पैनर है। अभी हुआ यूं कि हम चल रहे थे इस गाड़ी से और स्लोप था नीचे उतरने का। सुदीप भाई साहब हमारे आगे चल रहे थे, लेफ्ट राइट की आदत है, उसने ब्रेक लिया ओवरटेक करके, और भाई भी आ रहे थे पीछे से, इनकी बाइक उनकी सुदीप भाई की बाइक में लगी कस के, वो गिरते गिरते बच्चे हैं और इनका जो है टेढ़ा हो गया है, तो इसको भी ठीक करते हैं। हर राइड में कुछ ना कुछ अपने साथ पंगे हो जा रहे भाई। देख लो भैया टूटे हुए नहीं है, मेरे छिड़के से भी एक मिनट साइड हो जाए, भाई भाई एक बार देख लो इनका कैसे क्या हुआ। ब्रेक लीवर ऊपर आया, रोड से साइड हो जाओ, रोड से साइड हो जाओ, रोड से साइड हो जाओ। ऑयल ही कहां से हो रहा है, टूटा तो नहीं हमारा मैकेनिक माही पूरा टिलकिट लेके आ रहा है, आ गए आ गए। डॉक्टर साहब आ गए, देखेंगे अभी। सिलेंडर विलेंडर क्या क्या लेके आए अपने सर, यहाँ पे क्या क्या लेके आए सर? पूरा टूल किट है, सर्विस सेंटर लेके आए। अच्छा पूरा सर्विस सेंटर ही उठा के लेके आया। हाँ ऊपर से उसको सपोर्ट के लिए और लगेगा। साइड 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 बाहर लो इधर से लो इसको बाहर करो। ये सरिया लेके आया भाई, देखो देखो सरिया लेके आ रहा है सीधा करने के लिए, ये आदमी अलग है। तो बाइक रहेगी या तो राइड रहेगा। ले इसको लो, लो बाहुबली का डंडा ले आया, और इसको बैन कर दो। ये भी रख लेना साथ में भी। भाई साइड हो जाओ, सब होल्ड करके रखो गाइस, बाइक को दबा के रखो उस साइड से, राइट में आगे ना, करो 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 करो। ये मैप है, हम लोग यहाँ पे हैं बोगदांग गंगथांग, ये रिवर है शोक रिवर, चालुमका नहीं, चालुमका पोस्ट पे नहीं जाना होता हमें, हम नहीं जा सकते, हम यहाँ पे हैं पुलिस चेक पोस्ट। सर ये कौन सी जगह है, इसका नाम क्या है? सबका लिखता है चेक पोस्ट, नाइन पोस्ट नहीं, नाइन पोस्ट लिखा नहीं है। चालुमका जाने को अपने को परमिशन नहीं मिलता, उसके लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है। अपन ये रास्ता लेकर के तुरतुक त्याक्षी और यहाँ जाएंगे लास्ट, यहाँ पे खत्म होगा हमारा। से पहले हिंदुस्तान यही तक था, पीओके जो ऑक्युपाइड था ना, इसके आगे पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर रखा था। 1971 के बाद हम इंडियन आर्मी ने खांग तक आज़ाद करा, 1971 तक यहीं तक बसता है, इसके आगे नहीं जा सकता। ये है खांग तुर्तुक त्याक्षी, ये तीनों विलेज जो है 1971 से पहले पीओके में था। 1971 के वॉर के बाद हम अपनी जगह जो थी, हमारी जमीन जो थी, उसको हमने कैप्चर किया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अभी पी ओ के में है वो भी आ जाएगा। क्या है इसको इंडिया गेट भी बोलते हैं? नहीं सीपी सिगरेट पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, पिलाओ, मेरे को सर्च करना पड़ेगा। नन्ही सी चाल में पंखों सी बात है, बादल पे है कदम इनके, ख्वाबों की चाक पे हिरनों से दौड़ते, चंचल ये कब कहाँ ठहरे। सौंधी सौंधी खाक सी, बर्फियों की फाक सी। हाँ जी, तो यार पहुंच गए हैं तुरतुक, तुरतुक में हमें करना था लंच। ये लोकेशन देखो भाई साहब, कितना प्यारा लोकेशन है, देख रहे हो कहाँ से पानी आ रहा है, किसी को पता नहीं है ग्लेशियर से कहीं से आ रहा है। और हमारे सारे राइडर्स को हमने यहाँ पे, ये देखो मैं चाह रहे हैं सारे हमारे राइडर्स
यहाँ पे रुकेंगे, अभी लंच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे थांग की तरफ। मजा आ रहा है क्या राइड करके भाई लोग? बोर तो बोरियत तो नहीं हो रही है? बोरियत तो नहीं हो रही है? जो हो रहा है इतने दिनों से जबरदस्त चल रहा है, जो आंखों के सामने नजारा है बस चाहते खत्म ही ना। ये बिल्कुल वो लगता है कोई क्या बोलते हैं उसको, पेंटिंग किया हुआ है मस्त ऐसा दिखता है। ये सब खाने ऑर्डर कर रहे हैं अपन। अनिल भाई कैसी रही परफॉर्मेंस बाइक की? मैं उसको पैशन बोलता हूँ। ये आदमी चाय बहुत पीता है, बीच बीच में रुक जाता है चाय पीने के लिए। ये आपने बिल्कुल सही बोला। कैसी लगी राइड? मस्त, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बीच बीच के इंसिडेंट्स हटा देंगे, बाकी सब बढ़िया। ये कहाँ गया? ये अभी खाना खाने गया। यहाँ नहीं खा रहा? नहीं, वेज। अच्छा वेजी हो तो वेज तो दे रहे हैं। प्योर वेज, मतलब बर्तन में नहीं चलेंगे। OMG, ये देखो यहाँ पे सब लाइन में लगे हुए हैं, एंट्री करना है। और यहाँ से जो है सामने जो है ये जो दिख रहा है ये त्याक्षी विलेज का है पूरा रास्ता यहाँ पे। और यहाँ पे चेक पोस्ट पे सबकी एंट्री हो रही है। देख रहे हो पहली बार ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्यू में लग करके एंट्री कर रहे हैं। ऐसा लास्ट ईयर तक मैं आया था, इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। पार्क विलेज में फ्रानू बोलते हैं, इंडिया विलेज थांग बोलते हैं। और इस साइड आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, यही है पाकिस्तान। इतनी भीड़ भाई लास्ट ईयर तक नहीं थी, इस साल भयंकर भीड़ हो गई है। 19 साल पाकिस्तान में रहा, वो गाँव देख रहा है आप, उसका नाम है फ्रानू। वही गाँव का पैदा था जी, ये 41 का पहले ये 4 गाँव पाकिस्तान का था। बोटांग गाँव आपको जानता है, लुबरा शाह का लास्ट गाँव। बोटांग गाँव अपने इंडिया का था जी। बोटांग गाँव से इस तरफ आकर एक लकड़ी की ब्रिज है, लास्ट ब्रिज वही बाउंड्री था जी। इंडिया पाकिस्तान ब्रिज नहीं था पहले, यही फेंसिंग था जी। नदी के नाम है शयोग, फिर नदी के जो ब्रिज को उस तरफ बोटांग का तरफ रोड था, मैदान था, पहाड़ था। बोटांग गाँव जो है अपने इंडिया का कब्जे में था, इंडिया का बॉर्डर था। अब ब्रिज को उस तरफ निकला तो रोड में पहुंच गया, तो वही रोड का पहाड़ जो है पहाड़ रोड में पाकिस्तान का पहुंचता है। यही नदी फेंसी था उस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ अपना इंडिया। फिर अब 200-300 गज नीचे आने से एक मैदान है, वहाँ एक ब्रिज है। ये रोड के इस तरफ चूलूंग का बोल का लंबा सा गाँव आपको देखता आया होगा, चूलूंग का बोलता है। वहाँ भी पाकिस्तान का बॉर्डर था जी, उनका कब्जे में था। 1971 में लड़ाई हो गई जी, पहले बांग्लादेश से शुरू हो गया, बांग्लादेश में माहौल था। फिर अपने इंडिया ने बांग्लादेश आज़ाद किया, शेख मुजीब रहमान सरदार बना लिया। 20 दिसंबर 10 तारीख को यहाँ भी जंग जीत गया जी। 71 में 10 दिसंबर 10 तारीख को लड़ाई शुरू हो गया। हमारा थांग गाँव से 22 किलोमीटर आगे चूलूंग का 22 किलोमीटर, हम लड़ाई का हुआ नहीं सुनाया। इंडिया पाकिस्तान चूलूंग का और बोटांग लड़ाई हो रहा बोलकर सुनते रहा है। फिर 2 दिन पहले चलिए, तीसरे दिन से पाकिस्तान का फौज भगना शुरू हो गया। अपने इंडिया का फौज पीछे आते आते सबसे पहले चूलूंग का एक, इसके बाद तुर्तुक दो, इसके बाद टैक्सी तीन, इसके बाद थंग चार। ये 4 गाँव जो है 71 का पहले पाकिस्तान के कब्जे में था। 20 दिसंबर 10 तारीख को जंग छिड़ गया। 17 तारीख को जो है ये 4 गाँव इंडिया का हो गया, जो वो सन गाँव जो है पाकिस्तान में रही। पाकिस्तान के ज़माने में ये गाँव एक ही था, हम लोगों का उधर जमीन था, हम लोगों को इधर था। हमारा थंग गाँव का किसी का माँ, किसी का बहन, किसी का भाई, आधा आदमी वहाँ बसा था, आधा आदमी यहाँ बसा था। फिर यहाँ सुबह 10 बजे अपना फौज पहुँच गया इधर, 2 बजे सा फौज लेकर के आया, यहाँ पहुँच गया। एक तो हमारा लाला सिकोट का रिंगचर साहब था, वो मेजर था। एक तो जम्मू का एस के सिंह साहब था, दोनों मेजर। इस तरफ लाला सिकोट था, उस तरफ गोरखा रेजिमेंट था जी, उसका नाम है गोरखा डी। फिर आप लोगों को क्या तकलीफ है, डर रहा था हम लोग उसी टाइम पर। पाकिस्तान भागते जा रहा है, हिंदुस्तान आ रहा, वो हिंदुस्तान का फौज क्या करेगा, मारेगा पीटेगा, कोई पता नहीं था। हम घरों में बैठा हुआ था। फिर यहाँ से बैठे हमारे एक आदमी से मिला, दोनों मेजर मिला फौज भी।
कोई तुम्हारा गाँव वाला कहाँ है? हम 22 किलोमीटर पाकिस्तान का फौज भगा करके आपका आज़ादी के लिए आया था, आपको सिवाई के लिए आया था, हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं आए, हमारे मिलने से भी नहीं आए। ये क्या हो जाए, क्या ये सर वो लोग में बैठा हुआ क्यों आप लोगों को डांट क्यों डांट? इंडिया आ रहा वोट कर, हम खाने खाने के लिए भी नहीं आ रहा, वोट डर रहा क्यों डर रहा है? अब हमारे पीछे का इंडिया क्या करेगा कोई पता नहीं था, सब पालन किया जी, घरों से निकला हम और वो क्या छोड़ा है? आपको मारने के लिए आया, आपको पीने के लिए आया, वो गलत छोड़ आपका आज़ादी के लिए आया, आपको सिवोई के लिए आया, मारने के लिए पीने के लिए नहीं। हम जमीन का को कोई मतलब नहीं, हमको आवाम चाहिए, आवाम हम लोगों के लिए लड़ रहा है, आपको मारेगा पीटेगा फिर किसके लिए लड़ा? आपका माँ हमारा माँ है, आपका बहन हमारा बहन है, आपका बेटी बेटा हमारा है, आप फौज का मदद करो, फौज आपका मदद शुक्रिया सब, इंडिया का अवतार अच्छा था, फौज अच्छा था, हमारे दिल में खुशी हो डर खत्म हो, एक दुखी है सर, यह आप दोनों का मैं आप दूर करो, वही गाँव अपना करो, वही गाँव ले लो, यहाँ मैं बैठू क्योंकि हमारा रिश्तेदार पूरा वहाँ फंसा हुआ, हाँ हमारे रिश्तेदार से दूर मर रहा, आप यहाँ बैठेगा तो ये इंडिया का हो जाएगा, वो पाकिस्तान में रहेगा, फिर क्या करेंगे? आपका बात सुनकर हमको भी अफसोस हो रहा है, इकट्ठे रहना था, अभी हमारा आदमी नहीं है, अभी गवर्नमेंट दोनों चीज भर हो गया, अमन हो गया, दोनों फैसला हो गया, लड़ाई बंद हो गया, अपने अपने जगह में रुको बोल कर हमको आ रहा है, हम नहीं जा सकते, फिर पूरा रिश्तेदार जो हम खुद का जो है, मैं 9 साल में शादी किया था, माँ बाप को मैं अकेला था, बहन भाई कुछ नहीं था, मैं वही गांव का पैदाइश था जी, हमारा घर इधर से नजारा रहो, लास्ट में सुबह सुबह घर दिख रहा है, वही मैं हमारा घर दिख रहा है, जा नहीं पा रहा, फिर माँ बाप ने 9 साल में शादी किया, कोई नहीं था घर में, माँ बाप और मैं था, मजबूरी था, फिर 1 दिसंबर का 1 तारीख को बोले यहाँ थोड़ा सा ज़मीन था, ये बेटा तू जाओ, 2-3-4-5 कनाल ज़मीन था, ठंड का ज़मीन को खाद नहीं है, थोड़ा पशु लेकर जाओ, थोड़ा खाद बना कर आ जाओ, बीबी वहाँ छोड़ कर जाओ, माँ बाप को देखने के लिए खाना बनाने, आप जवान है, आप 19 साल के, खाना खुद बनाते खाओ, हाँ मैं आ गया जी बैठ गया, 1 दिसंबर का 1 तारीख को आया, 10 तारीख को जंग शुरू हो गया, 17 तारीख को ये इंडिया का हो गया जी, है वो पाकिस्तान को हो गया, फिर माँ बाप जो है पहले बीबी जो है पाकिस्तान रह गया जी, मैं अकेले इंडिया में रह गई, फिर 5 साल था मैं इंतज़ार किया, मिलेगा नहीं मिला, फिर मैं यहाँ जाती का दिया, अभी 6 लड़का 1 लड़की दे रही है, फिर इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हमको लड़का ज़्यादा है, 30 परिवार अपना हो गया, पोती पोता लगा कर अपना डर रोटे सबको हो रहा है, ज़मीन तो नहीं है सर, सब कुछ इंडिया गवर्नमेंट का मेहरबानी से आपको फैसिलिटी दिया हुआ, फिर आप लोगों का भी हमारा भाइयों हमारे बहनों हमारे बेटों हमारे बेटियों आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना खूबसूरत शहर छोड़ कर के, इतना प्लेट का खर्चा कट के, इतना गाड़ी का खर्चा। चलो गाइस यहाँ से हो गया हमारा थांग विलेज तक, हम पहुँच गए थांग विलेज, देख लिया आपको भी दिखा दिया, चचा ने जो अपनी स्टोरी बताई वो भी सुना दिया, तो ये ब्लॉग था सिर्फ हुंडर से या थांग विलेज तक आने का, बाकी सारे राइडर्स रेडी हैं फिर से निकलने के लिए, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड प्लीज़ सेव गोल, जय गाइस। आज की भी हालत ख़राब हो चुकी है, आज भी हमारी राइड जो चल रही है ना वो रोज़ का धंधा है, रोज़ का हमारा हो गया, एक नेक बाइक ब्रेकडाउन होनी ही होनी है, और आज तो बाइक ब्रेकडाउन हुई और जो हमारे साथ महिला राइडर हैं उनका एक्सीडेंट भी हो गया, गिर गई बाइक लेकर, तो उनको अभी हॉस्पिटलाइज कराया गया है। नहीं नहीं पुष्पांजलि नहीं, आराम से आराम से, सिंगल गियर क्लच छोड़ के खींच जा खींच जा खींच जा खींच जा खींच कि इश्क की कतार में न भाग यूं बेकार में, जरा संभल के चलो।